Hi friends, how are you all? I hope all of you will be good. This is Jagriti. So friends, today we are discuss about of gallbladder and pancreas in the accessory organs of digestion. So let's start. फ्रेंड्स आज हम लोग एसेसरी ऑर्गन्स में एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन में गॉलब्लैडर एंड पेनक्रियास के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स जो गॉलब्लैडर होता है एंड ऑर्गन एक प्रकार का ऑर्गन है जो कि लीवर से कनेक्ट रहता है एंड जहाँ पे क्या होता है बाइल स्टोर रहता है जो कि हेल्प करता है बॉडी का जो भी फैट होता है उससे उसको डील करने में मदद करता है गॉलब्लैडर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स गॉलब्लैडर इज अ पियर शेप। गॉलब्लैडर जो होता है वो पियर शेप का होता है एंड बाइल को स्टोर करता है। ये सिचुएटेड होता है फ्रेंड्स जो हमारा राइट लोब ऑफ द लीवर है उसके अंडर सरफेस पे गॉलब्लैडर सिचुएटेड होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ फंडस बॉडी एंड नेक। फ्रेंड्स जो गॉलब्लैडर होता है वो फंडस बॉडी एंड नेक को सिचुएटेड करता है। फ्रेंड्स हियर यू कैन सी बॉडी फंडस एंड नेक। सो नेक्स्ट गॉलब्लैडर की कोर्ट्स के बारे में जानते हैं। गॉलब्लैडर कंसेप्ट ऑफ थ्री कोर्ट्स। फ्रेंड जो गॉलब्लैडर होता है वो थ्री कोर्ट्स से मिलकर के बना होता है यानी कि जो इसकी परतें होती हैं वो थ्री होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर सीरस और पेरिटोनियल कोर्ट। फ्रेंड्स जो आउटर सीरस पेरिटोनियल कोर्ट होती है यह कंटिन्यू होती है पेरिटोनियम से और लीवर से कवर होती है। नेक्स्ट इज मिडिल मस्कुलर कोर्ट। फ्रेंड्स जो मिडिल मस्कुलर कोर्ट होती है ये अनस्ट्रिप्ड मसल से बनी हुई होती है। फ्रेंड्स जो अनस्ट्रिप्ड मसल्स होती हैं ये इस प्रकार की मसल होती हैं जिनमें लाइंस नहीं होती हैं उनको अनस्ट्रिप्ड मसल बोलते हैं। तो जो मिडिल मस्कुलर कोर्ट होती है ये अनस्ट्रिप्ड मसल से मिल करके बनी होती है। थर्ड इज इनर म्यूकस कोर्ट। फ्रेंड्स जो इनर म्यूकस कोर्ट होती है ये बाइल डक्ट से कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ द गॉलब्लैडर। फ्रेंड्स जो गॉलब्लैडर होता है वो रिजर्वर ऑफ बाइल यानी कि जो बाइल होता है उसको रिजर्वर की तरह ही वर्क करता है यानी कि बाइल को रिजर्व करता है। नेक्स्ट इज गॉलब्लैडर इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। फ्रेंड्स जो गॉलब्लैडर होता है वो बाइल का जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर देता है वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड थ्रू म्यूकोसा। थर्ड इज हेल्प इन डिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं बॉडी में जितना भी वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करके जो बाइल होता है उसे उसमें मिला देता है। फोर्थ इज द बाइल हेल्प्स इन डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय ब्रेकिंग अप फैट्स। फ्रेंड्स जो गॉलब्लैडर होता है वो बाइल को सिक्रेट करता है। बाइल जो होता है वो मदद करता है इन डाइजेशन जो भी हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें मदद करता है किस तरीके से जो फैट होता है उसे ब्रेक करता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पेनक्रियास। फ्रेंड्स जो पेनक्रियास होता है ये एक प्रकार का ऑर्गन है जो कि स्टमक के पास होता है और प्रोड्यूस करता है कुछ सब्सटेंस। फ्रेंड्स जो पेनक्रियास होता है वो ऐसे सब्सटेंस को प्रोड्यूस करता है जिसे बोलते हैं इंसुलिन जो कि कंट्रोल करता है हमारे ब्लड में जो भी शुगर है उसके अमाउंट को कंट्रोल करता है। विच हेल्प योर बॉडी टू डील विद डाइजेस्ट द फूड योर ईट। जो भी हम फूड लेते हैं जो भी हम फूड टेक करते हैं उसे डाइजेशन में मदद करता है पेनक्रियास। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास। फ्रेंड्स जो पेनक्रियास होता है वो पेल ग्रे कलर का होता है सिलेंडर होता है यानी पतला होता है पतला शेप का होता है। विच लाइज ट्रांसवर्सली ओवर द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो कि एब्डोमिनल वॉल के पोस्टीरियर बिहाइंड द स्टमक यानी कि स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है फर्स्ट एंड सेकेंड लंबर वर्टिब्रेट के लेवल पर। थर्ड इज पेनक्रियास कंसिस्ट ऑफ हेड बॉडी एंड टेल। फ्रेंड्स जो पेनक्रियास होता है वो हेड बॉडी एंड टेल को कंसिस्ट करता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास। फ्रेंड्स जो
पेनक्रियाज होता है वो कुछ एंजाइम्स जैसे कि पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक लाइपेज, इन सबको प्रोड्यूस करता है। एंड ये फ्रेंड्स जो एंजाइम्स होते हैं ये मदद करते हैं जो भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लाइपेज, इन सब के डाइजेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये एंजाइम्स। नेक्स्ट इट प्रोड्यूस हारमोन्स इंसुलिन एंड ग्लाइकोज। फ्रेंड्स जो पेनक्रियाज होता है वो इंसुलिन एंड ग्लूकोज नाम के दो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, अमाउंट को रेगुलेट करते हैं। फ्रेंड्स इस टाइप से हम लोगों ने देखा है गॉलब्लैडर के बारे में एंड पेनक्रियाज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच माई ऑल फ्रेंड्स।